वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथ एंड चैप्टर फोर। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? माइनस। माइनस कैसे किया जाता है और माइनस कैसे करना, माइनस मींस क्या है? देखिए, सब्ट्रैक्शन मींस क्या होता है? टेकन अवे समथिंग। जैसे मींस इसे कहा जाए तो कोई भी चीज है, जैसे हमारे पास है, हमसे कोई भी चीज ले ले, जो कुछ भी लिए हैं हम, अगर हम कोई चीज़ दूसरे को दे देते तो हमारे पास से क्या होता है? चली जाती है, यानी हमारे पास से कम हो जाता है, घट जाता है। वही सारी चीज़ें आज हम इसमें सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए, कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पिक्चर देखेंगे तो यहाँ 8 चॉकलेट्स हैं, क्या हैं? चॉकलेट्स। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5 चॉकलेट्स हैं। तो 8 चॉकलेट्स में जब 5 चॉकलेट्स अगर कम हो जाती हैं तो कितनी बचती हैं? 3 चॉकलेट्स। सेम उसी तरीके से ये देखेंगे, नीचे कुछ पिक्चर्स दी हैं, इसी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन पे, ठीक है ना। जैसे ये एक नंबर लाइन हो गई, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 6 from 14। 6 from 14 दिया है तो जैसे हम ऑलरेडी समझ रहे हैं इसमें क्या करना है, 14 में 6 को माइनस करना है। अगर फ्रॉम लगा है बीच में तो लास्ट का नंबर इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर उस साइड चला जाएगा, यानी बड़े नंबर में क्या करना है, छोटे नंबर को माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या है, 14 है, 14 में 6 माइनस करना है, ठीक है। करना है 14 में 6 माइनस करना है, 14 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर है 14, ठीक। 14 में 6 माइनस करने का मींस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो 14 में जब हम 6 माइनस किए तो कहाँ पे पहुँचे हम, 8 पे आया 8। तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 14 minus 6 = 8, ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से जैसे ये नंबर लाइन आपको दिया गया है वो नंबर लाइन आपको कंप्लीट करनी है सेम इसी पैटर्न पर। फिर उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, ठीक है। सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, ठीक है, बिना कैरी वाला सब्ट्रैक्शन जो है जिसमें बोरो नहीं लगता। तो देखिए ऊपर क्या नंबर है, 1, 10 हम देख लिए, काउंट कर लिए। फिर ऊपर क्या है, 3 है, नीचे क्या है, 1 है। तो 3 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2। फिर 8 है, 8 में जब हम 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 आ गया। उसी तरीके से ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सब उसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, माइनस करना है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ भी आपको सब्ट्रैक्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने आपको 2 डिजिट्स के बताया, यहाँ पे आपको क्या है, 3 डिजिट्स के हैं, सेम उसी तरीके से हैं। जैसे देखिए 6, 5, 9, 4, 2, 8 दिया हुआ है, माइनस करना है। 9 में 8 माइनस के 1 आया, 5 में 2 माइनस के 3 आया, 6 में 4 माइनस के 2 आ गया, ठीक। इसी तरीके से आपको पूरे माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करने हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, देखिए यहाँ दिया है नंबर 6, 8 और नीचे दिया हुआ नंबर 5, 9। हम पहले काउंट कर लेंगे 1, 10, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है, ये मार्क लगेगा। अब ये क्या है, 8 है और ये क्या है, 9। इस नंबर से नंबर बड़ा है तो ऐसे 8 में 9 को माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक 18 में जब हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा 5 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है तो क्या आ गया टोटल यहाँ पे 9 आ गया। इसी तरीके से जितने भी इधर सबट्रैक्शन दिया हुआ है वो सबट्रैक्शन आपको क्या करना है सॉल्व करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में भी देखेंगे फाइंड द डिफरेंस सेम इसी तरीके से जैसे अभी 2 डिजिट्स के हैं उसी तरीके से यहाँ पे 3 डिजिट्स के रहेंगे एक डिजिट और बढ़ जाएंगे लेकिन करना है आपको इसी प्रोसेस से ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। देखिए 3 डिजिट्स का बारोविंग वाला सब्ट्रैक्शन आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है 5 है यहाँ क्या है 8 है तो हम क्या करेंगे जब ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है तब क्या करते हैं इससे कैरी लेते हैं क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 5 तो 15 में 8 जब हम माइनस करें कितना आएगा 7 आया फिर ये 5 है ये भी बड़ा है 8 है तो हम इससे क्या करेंगे एक कैरी ले लेंगे ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 तो 15 में 8 माइनस किया कितना आया 7 आया 5 में 2 माइनस किया कितना आया 3 आया मीन्स कितना आ गया 377। फिर इसको हमें क्या करना है उसी तरीके से पूरा माइनस करना है वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आर ट्री हैड 312 मैंगोस ऑन इट द गार्डनर प्लक्ड 184 मैंगोस फ्रॉम इट हाउ मेनी मैंगोस वेयर लेफ्ट ऑन द ट्री। मतलब क्या है एक आम का पेड़ है जिस आम के पेड़ पर कितने मैंगोज लगे हैं 312 मैंगोज लगे हैं जिसमें से गार्डनर यानी मींस क्या होता है माली बगीचे की रखवाली करने वाला वो क्या करता है उससे 184 मैंगोज क्या करता है तोड़ लेता है क्या करता है तोड़ लेता है। तो अब ये हमें पता करना है कि उस पेड़ पर कितने टोटल आम बचे हुए हैं हम क्या करेंगे उसके लिए जितने आम टोटल थे फिर क्या करना है 312 आम थे जिसमें 184 आम उसने क्या किया तोड़ लिया तो आप हमें कैसे पता कर चलेगा कितने आम हैं हम इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो इसको हम 12 मानेंगे तो 12 में 4 का कितना आया 8 आया अब इससे ये लिए तो यहाँ पे 0 यानी 10 हो जाएगा तो 10 में 8 का कितना आया 2 आया यहाँ पे हम 2 मानेंगे 2 में 1 का कितना आया 1 आया मीन्स 128 मैंगोज बचे पेड़ पर ठीक है। तो आपको क्या करना है इसी तरीके से जितने वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेकंड में देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं 500 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ देम 138 आर गर्ल्स जिसमें से 500 स्टूडेंट्स में 138 लड़कियाँ हैं फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज अगर 500 स्टूडेंट्स में 138 लड़कियां हैं तो उसमें से बॉयज कितने हैं तो क्या करेंगे हम 500 में 138 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है यहाँ से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है फिर चैप्टर 5 आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा ठीक है। ओके थैंक यू।